हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो पार्ट ए की फीचर ऑफ द मंथली रिटर्न दिया गया है, यानी मंथली रिटर्न के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन टॉपिक को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो की फीचर ऑफ द मंथली रिटर्न दिया हुआ है वह उन लोगों के लिए दिया हुआ है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, मंथली रिटर्न वो फाइल करेंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मंथली रिटर्न एंड ड्यू डेट ऑल टैक्स पेयर एक्सक्लूडिंग ए फ्यू एक्सपेंसेस लाइक स्मॉल टैक्स पेयर, कंपोजिशन डीलर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट रजिस्टर पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एक्ट सोर्स अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, पर्सन लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 शैल फाइल 1 month रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग डेट शैल बी स्टेबल बेस्ड ऑन टर्नओवर ऑफ The taxpayer which shall be calculated based on the report turnover in the last year 2017-18. Analyzed for the full year, it shall be possible for the taxpayer to check on the common portal whether he fall in category of a small taxpayer. A newly registered taxpayer shall be classified on basis of self-declaration of estimated turnover. The due date for फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय लार्ज टैक्सपेयर सेल बी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इसका मोटा मोटा समरी अगर मैं आप लोगों से बताना चाहूँ तो ऐसे टैक्सपेयर जो अपने आप को नया रजिस्टर किया है जिन्होंने, वो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे कि मेरा जो टर्नओवर है वो डिक्लेयर किया हुआ टर्नओवर से ज्यादा नहीं है, तो इस केस में वो अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो ये दावा करे कि नहीं मेरा भी 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं है, तो उस केस में उनके पिछले यानी प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले, उस बेस पर उनका कैलकुलेट किया जाएगा और एक एवरेज वैल्यू मानकर ये मान लिया जाएगा कि हाँ इनका 5 करोड़ से ऊपर की वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही, तो इस केस में उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं नील रिटर्न। तो नील रिटर्न की फैसिलिटी भी मंथली रिटर्न के बेस में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनका नील रिटर्न का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे टैक्सपेयर जिन्होंने अपना ना तो सेल किया है ना ही परचेस किया है, तो उस केस में वो अपना नील रिटर्न फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब इस केस में वो अपना GSTR 3B भी SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं, यानी उनको एक SMS की फैसिलिटी भी दी जाएगी, जिस केस में वो अपना GSTR 1 रिटर्न एंड GSTR 3B रिटर्न ये दोनों SMS के थ्रू चाहे तो नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ये कैसे किया जाएगा जल्द ही ये बता दिया जाएगा कि एक नील रिटर्न SMS के थ्रू किस तरीके से फाइल किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये होगा जैसे अब तक करते आ रहे हैं OTP के थ्रू। स्मॉल टैक्स पेयर दोस्तों उनके लिए है जो 5 करोड़ के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर हैव अ टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर शैल बी कंसीडर्ड स्मॉल कैलकुलेट इन मैनर एक्सप्लेन इन पैरा 1 अबव। दिस स्मॉल टैक्स पेयर शैल हैव फैसिलिटी ऑफ फाइल क्वार्टर रिटर्न विद मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स वन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। यानी सेम वही बात जो मैंने पहले कही थी कि लास्ट ईयर के बेस पर ये देखा जाएगा कि उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक के अंदर है या 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, इस केस में वो स्मॉल टैक्स पेयर के अंदर आ जाएंगे अगर उनका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं जाता। आगे आप देख सकते हैं कंटिन्यूज अपलोडिंग एंड व्यूइंग। इस केस में जब एक सप्लायर अपना इनवॉइस अपलोड करेगा मंथ के जो टैक्स पीरियड वाला मंथ होगा, जैसे मान लीजिए जून चल रहा है, तो जून के जून वाले मंथ में वो जब चाहे अपना इनवॉइस अपलोड कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपना इनवॉइस अपलोड करेगा, इस केस में जो रिसिपिएंट होगा उसके पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो उन इनवॉइस को देख सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे ड्यू डेट फॉर अपलोडिंग इनवॉइस एंड एक्शन टू बी टेकन बाय द रिसिपिएंट। इस केस में क्या होगा या आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि जो
इसका हेडिंग है ड्यू डेट फॉर अपलोडिंग इनवॉइस एंड एक्शन टू बी टेकन बाय द रिसिपिएंट, यानी इनवॉइस अपलोड करने का जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा और उस केस में जो रिसिपिएंट है उसके ऊपर वो क्या एक्शन ले सकता है। जो सप्लायर है उसकी जो लास्ट डेट होगी वो हर महीने के 10 तारीख होगी, यानी हर महीने का जो अगला 10 तारीख आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी हमारा अगस्त चल रहा है तो जो GSTR बन जाएगा इस अगस्त का वो 10 सितंबर तक जाएगा, तो जो लास्ट डेट होगी वो 10 सितंबर तक होगी इनवॉइस अपलोड करने की। लेकिन इन केस अगर कोई सप्लायर अपना इनवॉइस अपलोड नहीं करता तो उस केस में उस इनवॉइस के ऊपर जो रिसिपिएंट है वो अपना ITC अवेल नहीं कर पाएगा। हम इसे एग्जांपल के तौर में अगर समझे तो मान लीजिए कि अप्रैल मंथ की जो इनवॉइस है, एक इनवॉइस नंबर है जिसको 8 मई को अपलोड किया गया, तो उस 8 मई के अपलोड किए गए इनवॉइस पर रिसिपिएंट ITC ले सकता है। लेकिन जो इनवॉइस नंबर 2 है अगर वो 15 मई को अपलोड किया जाता है तो उस केस में रिसिपिएंट उस इनवॉइस पे अपना ITC नहीं ले सकता, ये अब उसको नेक्स्ट मंथ में ही क्लेम कर पाएगा। और अगर सप्लायर चाहे तो अपलोड किए हुए इनवॉइस को लॉक भी कर सकता है। इनवॉइस अपलोड बट रिटर्न नॉट फाइल्ड, इस केस में क्या होगा, अगर सप्लायर अपने इनवॉइस को अपलोड कर देता है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करता तो इस केस में वो सेल्फ एडमिट मान लिया जाएगा, यानी सेल्फ एडमिट लायबिलिटी उसकी मान ली जाएगी। और जैसे ही रिसिपिएंट अपना रिटर्न फाइल करेगा उस केस में उसके जितने भी इनवॉइस होंगे वो सारे लॉक हो जाएंगे, और इस केस में जो उसकी लायबिलिटी बनती होगी सेलर की या सप्लायर की उसको रिकवर किया जाएगा। अनडायरेक्शन फॉलो अप डॉक्यूमेंट, इसको समझते हैं। ओनली द इनवॉइस और डेबिट नोट अपलोड बाय द सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल शैल बी द वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द रिसिपिएंट। ऐसे डेबिट नोट जो सेलर या सप्लायर के थ्रू चढ़ाया गया है सिर्फ वो ही वैलिड माने जाएंगे और उसी के ऊपर रिसिपिएंट ITC ले सकता है। इनवॉइस और डेबिट नोट विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर एंड ऑन विच रिसिपिएंट हैज अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी Thereafter calling missing invoice। अगर सप्लायर इनवॉइस किसी कारण वह छोड़ देता है या फिर वो चढ़ाता नहीं है और रिसिपिएंट उस केस में अगर वो ITC ले लेता है तो इस केस में वो इनवॉइस मिसिंग मान लिया जाएगा। वेयर क्रेडिट इज अवेल ऑन मिसिंग इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट एंड सच मिसिंग इनवॉइस आर नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल इन रिलेशन टू सच इनवॉइस और डेबिट नोट शैल बी रिकवर फ्रॉम The recipient, thus input tax credit shall inter alia be depended on uploading of invoice or debit note by the supplier either before or after filling of the return within the prescribed time limit। yani jab ek recipient kisi invoice ke upar ITC leta hai aur wo invoice supplier ke through nahi chalaya jata to use missing invoice maan liya jayega aur is case mein kuch time period diya jayega jisme सेलर को या सप्लायर को बताया जाएगा कि वो अपना मिसिंग इनवॉइस अपलोड कर दे, वरना इस केस में क्या होगा कि रिसिपिएंट को भी वो मिसिंग इनवॉइस ऐड करना होगा और सप्लायर को बताना होगा। मिसिंग इनवॉइस रिपोर्टिंग, ये वाला केस दोस्तों क्या है इसको जानते हैं। मिसिंग इनवॉइस शैल बी रिपोर्टेड बाय द सप्लायर इन द मेल रिटर्न फॉर एनी टैक्स पीरियड विद इंटरेस्ट और पेनल्टी एज एप्लीकेबल। यानी मान लीजिए कि जून मंथ में मेरा कोई इनवॉइस छूट गया था, अब मैं उस इनवॉइस को अपलोड करना चाहता हूं तो जुलाई आ जाता है और अगर मैं जुलाई में वो अपलोड करता हूं तो मुझे पेनल्टी के साथ वो इनवॉइस अपलोड करना होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ मिसिंग इनवॉइस बाय रिसिपिएंट कैन बी डिले अप टू 2 टैक्स पीरियड टू अलाउ रिसिपिएंट टू फॉलो अप एंड गेट द मिसिंग इनवॉइस अपलोडेड फ्रॉम द सप्लायर। यहाँ पे थोड़ा इलेक्शन दिया गया है, यानी 2 टैक्स पीरियड तक टाइम दिया जाएगा कि वो अपना मिसिंग इनवॉइस अपलोड कर ले। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, परचेस इनवॉइस रिसीव्ड बाय रिसिपिएंट इन अप्रैल ऑन व्हिच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर शैल बी रिपोर्टेड बाय द रिसिपिएंट नॉट लेटर देन द रिटर्न ऑफ जून फाइल इन जुलाई। इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग इनवॉइस अपलोडेड बाय द रिसिपिएंट शैल बी मेड अवेल्ड टू द सप्लायर टैक्स पेयर फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न शैल रिपोर्ट मिसिंग इनवॉइस इन द नेक्स्ट क्वार्टर। यानी
रिसिपियंट को ये बताना होगा रिटर्न फाइल करते टाइम कि ये मिसिंग इनवॉइस है, और साथ ही साथ सप्लायर को भी मिसिंग इनवॉइस की जो डिक्लेरेशन है या जो रिपोर्टिंग है वो देनी होगी। इस केस में इनको 2 टैक्स पीरियड का टाइम दिया जाएगा, अदरवाइज पेनल्टी कह लीजिए या फिर उनकी जो लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट उनसे वसूला जाएगा। ऑफलाइन आईटी टूल, अब जल्द ही जीएसटी पोर्टल पे ऑफलाइन आईटी टूल आएगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा GSTR 1 के लिए, GSTR 3B के लिए, GSTR 2 के लिए, सबके लिए ऑफलाइन टूल्स अवेल है जीएसटी पोर्टल पे। इसी तरह अब एक नया ऑफलाइन आईटी टूल आएगा जिसमें हम अपने जो रिटर्न का रिपोर्ट है वो उसे एक्सेल शीट में इन्वर्ट करके शो कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। अब वो उसे 3 तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर डेट ऑन विच किस डेट को सप्लायर ने अपलोड किया है, या सप्लायर के जीएसटी के बेस पर, ये फिल्टर करके हम उसमें आसानी से देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी लायबिलिटी डिक्लेयर इन द रिटर्न शैल बी डिस्चार्ज इन फुल एट टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द रिटर्न बाय द सप्लायर एज इज बीइंग डन इट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट रिटर्न फ्रॉम GSTR 3B। जिस प्रकार अभी हम अपने GSTR 3B में पेमेंट करते आ रहे हैं अपनी लायबिलिटी की, सेम वही प्रोसेस आगे भी चलेगा। रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द रिसिपिएंट एंड वेयर टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर। In case of default in payment of tax by the supplier, recovery shall be first made from the supplier and in some expansion circumstances like missing taxpayer, closure by business by the supplier. मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ ये क्या है। मान लीजिए कोई मिसिंग इनवॉइस थी जो जिसके ऊपर रिसिपिएंट ने ITC क्लेम कर लिया था, लेकिन सप्लायर ने वो इनवॉइस अपलोड नहीं किया, तो उस केस में सप्लायर से उसके ऊपर जो भी लायबिलिटी बनेगी वो वसूल किया जाएगा, ना कि रिसिपिएंट से किया जाएगा। लेकिन अदर केस में मान लीजिए कि जो सप्लायर है उसका बिजनेस बंद हो रहा है, या फिर दोनों की मिली भगत है, सप्लायर की भी रिसिपिएंट की भी, तो उस केस में रिसिपिएंट को एक नोटिस भेजा जाएगा और जो भी लायबिलिटी बन रही होगी या जो टैक्स बन रहा होगा, चाहे आप उसे पेनल्टी कह लीजिए, वो रिसिपिएंट से भी वसूला जाएगा। तो इस केस में बहुत खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप किसी मिसिंग इनवॉइस पे ITC क्लेम करते हैं तो आप अपने जो सप्लायर है उसको भी इन्फॉर्म करें, साथ ही साथ पोर्टल पे भी ये बता दे या दिखा दे कि ये मिसिंग इनवॉइस है। लॉकिंग ऑफ इनवॉइस, इस केस में क्या होगा, जब एक सप्लायर अपने इनवॉइस को अपलोड करेगा तो इससे जो रिसिपिएंट है उसके पोर्टल पे वो शो होगा, उस केस में जो रिसिपिएंट है उस इनवॉइस को वो लॉक कर देगा, चाहे तो उसे वो पेंडिंग भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो किसी कारणवश उसको लॉक नहीं करता, वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने सारे इनवॉइस चेक कर लिए हैं और जितने भी इनवॉइस होंगे सप्लायर के वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, रिजेक्टिंग इनवॉइस। अब कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर GST नंबर गलत चढ़ा देता है, जिस वजह से जो उसका ओरिजिनल रिसिपिएंट होता है उसके पोर्टल पे वो शो नहीं करता और उस रिसिपिएंट के पोर्टल पे शो कर जाता है जिसका वो गलती से GST नंबर डाल देता है। तो इस केस में रिसिपिएंट को एक पावर दिया जाएगा कि वो उस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दे। पेंडिंग इनवॉइस, अब कई बार ऐसा होता है कि जो रिसिपिएंट जो सेलर होता है या जो सप्लायर होता है वो अपना इनवॉइस अपलोड कर देता है, लेकिन जो रिसिपिएंट होता है वो चाहता है कि नहीं, इस इनवॉइस में अभी अमेंडमेंट करना है या कुछ चेंजेस करना है, जिस वजह से वो उसको पेंडिंग कर देता है, तो वो चाहे तो उसको वो पेंडिंग कर सकता है। लेकिन अगर वो उसे पेंडिंग नहीं करता, वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है, तो वो इनवॉइस पेंडिंग नहीं माना जाएगा और वो रिटर्न फाइल करने के टाइम ही अपने आप लॉक हो जाएगा। डीम लॉकिंग ऑफ इनवॉइस, डीम लॉकिंग ऑफ इनवॉइस जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इनवॉइस अपलोड कर दिया गया है और जो रिसिपिएंट है वो उनको लॉक नहीं करता और अपना रिटर्न फाइल कर देता है, तो इस केस में जितने भी इनवॉइस सप्लायर के थ्रू चढ़ाए गए थे वो सारे के सारे लॉक मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर उसने किसी इनवॉइस को अनलॉक मतलब वो पेंडिंग किया हुआ है
या चाहता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का अमेंडमेंट हो, तो उन इनवॉइस को छोड़ के जितने भी इनवॉइस होंगे वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। अनलॉकिंग इनवॉइस, अनलॉकिंग इनवॉइस का मतलब होता है मान लीजिए किसी इनवॉइस को उसने गलती से लॉक कर दिया, तो रिसिपिएंट के पास ये पावर है कि वो उसे अनलॉक कर दे, और साथ ही साथ अगर वो भी उसमें किसी प्रकार का चेंजेस करवाना चाहता है तो वो उसे पेंडिंग में भी रख सकता है। अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस, अगर कोई सप्लायर किसी इनवॉइस में अमेंडमेंट करना चाहता है और अगर रिसिपिएंट ने उस इनवॉइस को लॉक कर दिया है तो उस केस में वो उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को इश्यू करके उस इनवॉइस में अमेंडमेंट कर सकता है। आगे आप यहाँ पे एटेशन के डिटेल देख सकते हैं। एटेशन का डिटेल यहाँ पे हर टैक्स पेयर को देना होगा। अगर टैक्स पेयर एटेशन का डिटेल नहीं देते तो इस केस में उनपे निगरानी रखी जाएगी, हो सकता है कुछ फीस वगैरह या फिर लेट फीस भी लगे। रिटर्न फॉर्मेट जो है वो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि रिटर्न फॉर्मेट में किस प्रकार से हम अपना पूरा जीएसटी का डिटेल डालेंगे जो भी नए चेंजेस आए हैं। पेमेंट ऑफ मल्टीपल लायबिलिटी, इस केस में क्या होगा, मान लीजिए अगर जून केस में हमने अपनी किसी इनवॉइस है या फिर हमने अपनी लायबिलिटी पे नहीं की, तो उस केस में आप अगले मंथ में जो आपके पिछले मंथ की लायबिलिटी रह गई थी उन दोनों को कंबाइन करके आप एक ही चालान जनरेट करेंगे, यानी एक ही चालान के बेस पर आप अपनी लायबिलिटी की पे कर सकते हैं। अगर कोई आपकी पेंडिंग लायबिलिटी रह रही है, इस केस में आपको अलग अलग चालान जनरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में आपकी जो भी इंटरेस्ट बन रही है उसे भी इंक्लूड करके आपको चालान में दिखाना होगा। अमेंडमेंट रिटर्न, अगर आप अपने रिटर्न में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया और कुछ गलती थी जिसको आपको बाद में पता चला, तो उस केस में दोस्तों आपको रिटर्न में तो अमेंडमेंट करने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके लिए एक अलग से आपको फैसिलिटी दी जाएगी जिसमें आप अमेंडमेंट करेंगे, और जैसे ही आप उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे ऑटोमेटिक आपके रिटर्न से लिंक हो जाएगा और जो भी आपने चेंजेस करे थे वो आपके रिटर्न में ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ मिसिंग इनवॉइस, अब अमेंडमेंट ऑफ मिसिंग इनवॉइस यानी ऐसे इनवॉइस जो मिसिंग रह गए थे या फिर आप उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जितने भी आपके इनवॉइस हैं वो सारे क्लब कर ले, एक साथ कर ले, उसके बाद ही अमेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार आपको अमेंड करने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ वो समझ लेते हैं। इनवॉइस ऑफ अप्रैल इफ अपलोडेड इन सितंबर शैल गेट अमेंड विद the amount of return for the month of April only, and therefore trade is advised to report all the missing invoice before exhausting their opportunity to amend the return। यानी अगर किसी अप्रैल मंथ का बिल है जिसमें आप अमेंड करना चाहते हैं और वो सितंबर में कर रहे हैं, तो जो अमेंड है वो अप्रैल में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को जितने भी आपकी मिसिंग इनवॉइस थी सबको क्लब कर ले, एक साथ कर ले, उसके बाद ही अमेंड करें, क्योंकि बार बार ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अमेंड ऑफ डिटेल अदर देन दैट ऑफ इनवॉइस, अब इनवॉइस के अलावा अगर आप किसी में अमेंड करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको एक अलग से दिया जाएगा, जिसमें आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू करके आप अमेंड कर सकते हैं। ये किस प्रकार से दिया जाएगा ये जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक को भी शेयर करूंगा। दोस्तों पेमेंट ड्यू अमेंड लायबिलिटी, यानी आप ये देख सकते हैं कि जो लायबिलिटी की पेमेंट थी, यानी जो अमेंडमेंट लायबिलिटी की जो ड्यू डेट है, यानी जो पेमेंट हमने कर दी थी गलती से, ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, बाय मिस्टेक रह गया, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी, या पेमेंट ड्यू टू अमेंड लायबिलिटी जो लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, पेमेंट वुड बी अलाउड टू बी मेड फॉर द अमेंडमेंट रिटर्न एज इट विल बी हेल्प सेव इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर द टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ अवेल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन आल्सो बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी इन द अमेंडमेंट रिटर्न। आगे देखते हैं नेगेटिव लायबिलिटी। नेगेटिव लायबिलिटी का मतलब है कि आपने जो अपना रिटर्न फाइल किया था और किसी कारण या फिर सच में ही वो नेगेटिव में पहुंच चुका है, तो जो भी आपकी नेगेटिव लायबिलिटी वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हायर लेट फीस और अमेंड रिटर्न, अगर आप अपने रिटर्न में अमेंड करना चाहते हैं तो आपको अलग से फैसिलिटी तो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर 10% आपसे लायबिलिटी वसूल लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि आप अपना आगे से जो रिटर्न फाइल करें वो बिल्कुल ठीक करें, ना कि बार बार
आप अपना 10% देते रहे। तो दोस्तों जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो ठीक ठीक करिएगा, अदरवाइज आपको 10% देना पड़ जाएगा। और 10% आप समझ सकते हैं अगर लाखों करोड़ों में हुआ तो आप लोग कितना पे करोगे। मंथली अकाउंटिंग, यहाँ मंथली अकाउंटिंग का मतलब है कि जो आप अपना मंथली रिटर्न फाइल करेंगे इससे जो डिपार्टमेंट है उनको भी मंथ वाइज पूरा रिपोर्ट मेंशन होगा और आपको भी मंथ वाइज पूरा रिपोर्ट मेंशन होगा। तो आप लोग ध्यान से फाइल करिएगा अपने GSTR 3B GSTR 1। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होता है या वो किसी प्रकार से मैच नहीं होता तो दोस्तों आप लोगों के ऊपर बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है, फाइन भी लग सकता है। इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी रिटर्न फाइल करेंगे चाहे वो GSTR 1 हो GSTR 3B हो बहुत ध्यान से फाइल करें दोस्तों, अदरवाइज आप लोग नहीं समझ पाओगे कि आप लोग कितनी बुरी तरह फंसोगे दोस्तों, क्योंकि ये उनके लिए बात करी जा रही है जो मंथली रिटर्न है यानी 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिले। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वार्टरली रिटर्न की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और किसको फाइल करना है वो भी बताऊंगा और उसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी होगा आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर जिसके ऊपर आप सजेस्ट करना चाहते हो रिलेटेड टू माय वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में अगर कोई बाय मिस्टेक में कुछ गलत बोल जाता हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने उन दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का लाइक और जो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हो इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए आप अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया मंथली रिटर्न से रिलेटेड, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वार्टरली रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो उस वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।